255-60 के टारगेट्स ये बहुत आराम से अचीव करेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के। दूसरा शेयर जानते हैं पूजा जी, जिलेट इंडिया है दूसरा शेयर। यहाँ पर 236 करोड़ कंपनी के पास कैश है, कर्ज है नहीं जैसा कि हम बता रहे हैं, और YTD रिटर्न भी देखेंगे सिर्फ 4% गिरी है ये कंपनी, लेकिन 3 साल का रिटर्न काफी शानदार है। अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है शेविंग सेगमेंट में, और आगे आने वाले समय में जो ट्रिगर की बात चल रही है कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, माना जा रहा है जो ग्रूमिंग सेगमेंट है आगे तेजी से ग्रो करेगा और उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा जिलेट जैसी कंपनियों को, और जिलेट इसलिए भी फायदा मिलेगा क्योंकि ये मार्केट लीडर है उस सेगमेंट में, स्पेशली मेन ग्रूमिंग सेगमेंट में, और ओरल केयर सेगमेंट में ये कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी देखे थे, अच्छा वहां पर भी ग्रो किया था। एक जो इम्पैक्ट था वो ये था कि जब GST ट्रांजिशन के दौर में इस कंपनी के बिक्री पर कुछ असर भी पड़ा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे वो असर भी कंपनी के बिक्री पर अब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, तो अब उसका भी फायदा आने वाले समय में कंपनी के बिक्री में देखने को मिलेगा, और इनके जो तमाम सेगमेंट है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो 4% नीचे गिर चुका है, 2018 का अगर हम रिटर्न देखेंगे 4% नीचे इस वक्त है, लेकिन पिछले कुछ समय में शानदार रिटर्न भी दिया है कंपनी ने जिलेट ने। ठीक है, जिलेट के वेक्टर, जिलेट का मैचो, कौन नहीं जानता इस प्रोडक्ट के बारे में, जबरदस्त ब्रांड लॉयल्टी जिलेट की रही है, और अगर एक बात कहा जाए तो आज खर्च करने की क्षमता है जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, अगर ग्रूमिंग सेगमेंट पे हो रही है तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा हो रही है, ये लॉयल्टी भी है, और एक फेस से दूसरे फेस में जब लोग आते हैं तो सबसे पहले इसी का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बताते हैं कि उनकी रिचनेस या उनकी क्लास में बदलाव हुआ है। जिलेट शायद उसमें से बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल देता है। जैन साहब आपकी राय। बिल्कुल, मैंने ये स्टॉक आपके चैनल पे पहले भी रेकमेंड किया हुआ है स्पेशल शोज में ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता है समहाउ मेल वेलनेस और ग्रूमिंग में जो अब आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक ट्रैक्शन आएगा और ग्रोथ आएगी, तो उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। दो, मैं जिलेट बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, और शायद आप भी जब स्टूडियो आते हैं सुबह सुबह तो जिलेट के ही प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो ये इनफैक्ट अभी तो रूरल इंडिया में जो रीच बनानी है वो ऑलरेडी है डिस्ट्रीब्यूशन, बट और भी मुझे आगे आने वाले दिनों में लगता है कि जो इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ग्रुप कंपनी है ये, बेहतरीन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हुआ है, डाउनसाइड रिस्क उसमें भी कम लगती है। अगर 5 साल की अगर ग्रोथ की बात करें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रॉफिट्स में तो करीब 27-28% का है, नेट प्रॉफिट में करीब 3 साल का अगर ग्रोथ प्रॉपर्टी की बात करें तो 70% की है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 76% की। इन सब फंडामेंटल्स के बाद और जो सारी चीजें दिखती है डाउनसाइड रिस्क चूंकि इसमें भी बहुत कम दिखती है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 7500-7600 का टारगेट बहुत जल्द ही अचीव कर लेगा। ठीक है, 7500 का टारगेट है, ये बात बिल्कुल सच है कि जिलेट का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक तो इस सेगमेंट में नहीं मिलता, तो जिलेट अपने आप में ये मोनोपोलिस्टिक भी है एक किस्म से, और दूसरी तरह से आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये ब्रांड लॉयल्टी का सबसे बड़ा एग्जांपल है जिलेट। 7500 का टारगेट, जैन साहब कह रहे हैं आप भी खरीदारी की जा सकती है, तो 3 शेयर आपके पास तैयार हो गए, चौथे शेयर की बारी। स्टील प्लांट को मंजूरी दे दी, ऊपर से कोयला आयरन आपूर्ति के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, नतीजे बेहतर हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन जब होगी तो उस तो क्लियर कट रेवेन्यूज पे रिफ्लेक्ट होगी ही, लेकिन ये 22 करोड़ के आसपास की कैश इक्विवेलेंट वाली कंपनी है, और ज्यादा नहीं गिरी है इस साल, सिर्फ 2% के आसपास नेगेटिव है, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड बीते 3 साल का बहुत बेहतर है। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि पिछले 3 साल में इसने करीब 100% तक का रिटर्न दिया है, अगर मैं एक साल के हिस्से में इसको डिवाइड कर दूं कम से कम 30% से ज्यादा का रिटर्न है एक साल के अंदर, इस साल तो अभी तक तो नहीं चली है, चल सकती है, उसके आंकड़े ये कहते हैं कि कंपनी का 400+ करोड़ रुपए की नकदी है और कर्ज नहीं है, टाटा का नाम जिस सेगमेंट में है वो अपने आप में बताने के लिए सफिशियंट है। जैन साहब आपकी राय इस पे। बिल्कुल, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, 9-10 के पी मल्टीपल पे चल रही है, ठीक है स्टील सेक्टर की कंपनी है तो पी मल्टीपल्स बहुत ज्यादा हाई नहीं देते हैं, बट साथ में देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 22% का है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे, और ग्रोथ भी है, अगर पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की ग्रोथ रेट देखें तो करीब 10-12% की ग्रोथ रेट रही है, और खास बात यह भी है कि इस कंपनी में जो
52 वीक हाईज है वो करीब 1250 का है और उसके सामने भाव आज 950 रुपए के लगभग है। बिल्कुल निवेश करना चाहिए, डाउनसाइड रिस्क सिर्फ 7-8% की है और अपसाइड यहां से मुझे लगता है कि आराम से ये 30-40% तक का भी दे सकता है, तो होल्ड करके रखना चाहिए बिल्कुल। और इस स्टॉक में जहां भी और भी गिरावट आए तो बिल्कुल बाइंग भी करनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये जो टारगेट्स है आराम से 1120-25 के ये अचीव कर सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा शेयर नहीं निकला इस लिस्ट के अंदर जिसमें ये कहा गया कि इसको भी खरीदना नहीं है, सारे के सारे फंडामेंटल्स बेहतर रिसर्च के जरिए ये शेयर्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। और जैन साहब का मानना है कि इन सभी शेयरों से ये बात तो तय है कि अब की बार अगर आपका प्रॉफिट नहीं बना तो अब की बारी इन शेयरों के सहारे आपका प्रॉफिट जरूर बन जाना चाहिए। मार्केट जहां भी जाए ये शेयर्स आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा इनकी बैलेंस शीट्स और इनके कामकाज को देखने में लग रहा है। तो ये चार शेयर आपके सामने हो गए, टाटा स्पॉन्ज में भी खरीदारी का ही ठप्पा लगा है। पांचवा शेयर जो कि पहले सेगमेंट का पूरा हो जाएगा वो पूजा के पास है। पूजा बताएं जी। फार्मा स्पेस से है, छोटी कंपनी है, ओलंपिक ग्रुप की कंपनी है, ओलंपिक लिमिटेड जिसको कि हम फार्मा स्पेस में काफी अनुभव काफी ज्यादा है इस ग्रुप का, ओलंपिक लिमिटेड का, लेकिन उसी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी कंपनी है और वहां से ही करीब 47% योगदान कंपनी का रियल एस्टेट से भी आता है। तो अलग अलग सेगमेंट है और इसके साथ ही साथ में पढ़ रही थी कि विंड पावर कारोबार में भी है, वो ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं है लेकिन पावर कारोबार में भी है कंपनी, लेकिन मेन जो इनका है वो फार्मा और रियल एस्टेट है। देखिए कंपनी छोटी है, नकदी 47 लाख ही है, लेकिन जो प्रदर्शन रहा है और हम जो ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हैं, ओलंपिक ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, उसकी फ्लैगशिप कंपनी है ओलंपिक फार्मा और पिछले काफी समय से उसको लेकर काफी पॉजिटिव न्यूज भी है, यूएसएफडीए अप्रूवल्स कुछ मिले हैं। तो जिस तरीके से जब जब ओलंपिक फार्मा अगर ग्रो करती है तो ओलंपिक लिमिटेड को भी उसका फायदा मिलता है क्योंकि एपीआई आरएनडी कारोबार में है ये कंपनी, तो उससे एक सीधा सीधा बेनिफिट ओलंपिक लिमिटेड को भी मिलता है। इसके अलावा कंपनी का रियल एस्टेट सेगमेंट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वहां से भी करीब 47% का जो योगदान है वो रियल एस्टेट सेगमेंट से भी आता है। अगर हम वाईटीडी रिटर्न देखेंगे ओलंपिक लिमिटेड का 20% नीचे है ये शेयर, वैसे 30 साल का रिटर्न देखेंगे तो अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है लेकिन वहां से अपने जो लेवल था वहां से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन आने वाले समय बात की जा रही है कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं तो यहाँ पर नजर रखी जा सकती है ओलंपिक लिमिटेड में। ठीक है जैन साहब, इस पे आपके रिकमेंडेशन ओलंपिक लिमिटेड पे। देखिए मैं इस पे भी बाय की ही राय दूंगा। देखिए खास बात यह है कि ये स्टॉक फार्मा स्टॉक्स की तरह नहीं चलता है, ये फार्मा कंपनी और ओलंपिक फार्मा का स्टेक भी है इस कंपनी में और मुझे जो खास बात लगती है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है इस स्टॉक में भी। आप 35-38 रुपए का लेवल मान लीजिए कि जहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेता है ये, और ऊपर के लेवल से स्टॉक ने भी 72 रुपए दिखाए हैं 52 वीक हाईज अगर आप देखें, और साथ में पी मल्टीपल सिर्फ 7.5 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल सिर्फ 1.2 का है और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिया है, बट जो फंडामेंटल्स अभी बताए तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल आ सकता है, तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। बट अगेन एक साथ में एक मैं कॉशन भी दूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति ज्यादा अपनाए और बाइज इन लेवल्स पे तो करें ही, और साथ में स्टेगर्ड बाइंग के साथ अगर नीचे आए 42 रुपए 41 रुपए तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफर्ट आएगा, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट्स करेक्ट करे, फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी चले हुए हैं तो ये भी थोड़ा बहुत नीचे से चला हुआ है, तो अगर नीचे आए तो बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल, तो ओलंपिक पे भी राय है खरीदारी की। ओलंपिक लिमिटेड है शेयर का नाम, ध्यान रखिए ओलंपिक फार्मा और लिमिटेड दोनों के प्राइसेस अलग अलग है। फार्मास्यूटिकल 500 की है लेकिन लिमिटेड 40-40 रुपए वाली कंपनी है, 62 रुपए का टारगेट है। जैन साहब की इसमें भी राय खरीदारी की है। तो पांच के पांच शेयर जब तक हमने आपके सामने रखे एक भी शेयर ऐसा नहीं निकला कि जिसपे या तो होल्ड करें या अभी नहीं ट्रेड करना है, इसकी राय निकल के स्टैंप बनी हुई है, ऐसे नहीं कि स्टैंप हमने नहीं बनवाई है लेकिन अभी तक खरीदारी के ही सौदे लग रहे हैं। तो पांच शेयर तो हो गए, पांच शेयर बाकी है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब इनकी बारी, यानी ऐसे शेयर्स जो अभी तक तो चले नहीं, यानी कि साल जब से शुरुआत से चले नहीं, मार्केट ने बना दिया लाइफ टाइम हाई। आपके अंदर सूची होनी चाहिए कि भले बाजार कहीं भी जाए, अब या नीचे आए या फिर ऊपर आए, इन शेयरों में आपका कंफर्ट जरूर मिलेगा। ये मिड कैप की सारी कंपनियां हैं जो कि आपके फायदे के लिए बनाई है। हमने इसके फंडामेंटल चेक किए, कोई भी कर्ज वाली कंपनी नहीं ली और सभी के सभी कैश रिच कंपनीज को हमने रखा है, और खासकर मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूजा से एक और शेयर जल्दी से समझ लेते हैं, उसके
फिर रजत किससे जानेंगे कुछ और शेयर, पूजा बताएं एक और शेयर। वंडरला हॉलीडेज है, मेरी तरफ से कर्ज है नहीं कंपनी के पास और इनकी जो कैश है बुक्स में 24-25 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। एक लौता कंसर्न जो कंपनी के सामने फिलहाल ये है, कोची में जो बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है वो एक कंसर्न है जो कंपनी ने अपने रिपोर्ट्स में खुद एनालिस्ट जो इनकी प्रेजेंटेशन हो रही है वो कंपनी खुद इस बारे में बात कर रही है कि वहां से थोड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन जो बाकी सारे जो इनके अम्यूजमेंट पार्क है वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है क्योंकि जीएसटी में जो कमी आई है आगे माना जा रहा है कि फुटफॉल्स काफी बढ़ेंगे इनके और कंपनी ने कुछ नए राइड्स भी जोड़े हैं तो उसका भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा कंपनी को वंडरला। ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि कोई दुखद घटना भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, शायद वंडरला के साथ यही हो सकता है। कोची वाला अगर अम्यूजमेंट पार्क में कोई दिक्कत है तो इसका बेनिफिट अब दिक्कत दूर होते ही हो जाएगा। जैल साहब आपकी राय क्या है इस पे? देखिए मैं बाइंग की राय के वजह मैं होल्ड की राय दे रहा हूं। देखिए वैसे तो देखिए ये अपने 52 वीक लोज के आसपास है ये स्टॉक और साथ में जो नेगेटिव्स दिख रहे हैं वो है, बट खास बात ये भी है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट वैल्यूएशंस थोड़े उसके हिसाब से महंगे भी हैं। करीब 40 के पी मल्टीपल भी ये स्टॉक चल रहा है बट कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी दी है। अगर सेल्स की ग्रोथ करें तो 14-15% की ग्रोथ दी है कंपनी ने और चैनल चेक भी किया मैंने। मैंने जब भी मेरे इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में रिश्तेदार गए थे बैंगलोर में और यहाँ पे विजिट किया था वंडरला हॉलीडेज तो उनका जो एक्सपीरियंस था दैट वॉज वेरी गुड। और ऐसे अच्छी कंपनियां वैसे बहुत लिस्टेड है ही नहीं है, दो ही कंपनियां इस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इन लेवल्स पे तो एग्जिट की सोचनी नहीं चाहिए बल्कि अगर कहीं नीचे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं क्योंकि वहां पे फिर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो ये सारी लिस्ट में संभव मैंने अभी तक सब 22 की बात कर रहा था, मैं ये पहला स्टॉक है जिसके बारे में होल्ड की राय दे रहा हूं। ठीक है, फिलहाल होल्ड है यानी कि ताजा खरीदारी तो नहीं करनी है, लेकिन जिनके पास है उनको बेचना भी नहीं है, इसलिए वंडरला हॉलीडे 300 तक के टारगेट के लिए अगर आप इसमें ध्यान रखें 300 प्लस के टारगेट 380 के एक बार इस पे ध्यान रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, रजत से जानते हैं एक और शेयर। रजत बताएं। जी बिल्कुल, आईजीएल होगा। देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगभग 199% का रिटर्न दे चुका है, नकदी दमदार है 558 करोड़ की और इस साल 13-14% नीचे है ये स्टॉक। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कंसिस्टेंट परफॉर्मर है उसमें मुनाफे की फिगर भी देखिए आप, 3 साल में लगभग 50% मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया। अभी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस बढ़ रहे हैं इसका क्लियर कट बेनिफिट ये उठाएगी कंपनी और सरकार का तो वैसे ही फोकस अल्टरनेटिव फ्यूल को बढ़ावा देने पर है जिसमें आईजीएल की पकड़ बहुत मजबूत है। डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रही है कंपनी, आने वाले समय के लिए सीधे तौर पे मुनाफे पर असर डाली है। ठीक है, तो एक बार आईजीएल पे भी ध्यान रखा जा सकता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। जैन साहब ये वैल्यूएशन भाव से बुरा तो नहीं है क्योंकि बार बार लोग इसके भाव पे आके रुक जाते हैं, बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के कामकाज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भाव की दिक्कत है, वो आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक तो बाय है और नो ब्रेनर है एक तरीके से। देखिए मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है और सरकार काफी फोकस्ड है जिस तरीके से अभी कह रहे थे रजत जी भी, और मैं कहूंगा कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस कंपनी की अगर 32-33% हो, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21% और ग्रोथ भी दे रही है, अगर प्रॉफिट की ग्रोथ भी करीब 16.5-17% की है तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा लगता नहीं है, 240 के लगभग डाउनसाइड मतलब 52 वीक लो है और हाईस 344 के बनाए हुए हैं तो अच्छे लेवल्स पे है, संभव मुझे लगता है कि बाइंग करके चल सकते हैं। क्या खरीदारी करनी है, 340 का टारगेट है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जैसी ही है कम से कम नॉर्थ इंडिया में सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गैस के, आईजीएल ध्यान रखें 340 का टारगेट है। पूजा एक आखिरी शेयर आपकी तरफ से। जीएमडीसी होगा मेरी तरफ से। देखिए कमोडिटी स्पेस में है ये कंपनी और ज्यादा इस पर नजर जाती नहीं है, लेकिन जिस जो कारोबार है इनका लिग्नाइट माइनिंग का उसमें सबसे बड़ी प्लेयर है और कोल का ऑल्टरनेटिव माना जाता है लिग्नाइट को, तो वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है। जून तिमाही के नतीजे काफी शानदार रहे हैं कंपनी के, कर्ज है नहीं और जो कैश बुक है वो काफी अच्छी है, करीब 60 करोड़ का कर्ज है कंपनी के पास जीएमडीसी के पास, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। ठीक है जैन साहब, इस पे आपकी रिकमेंडेशन 70% का 3 साल का रिटर्न, ये बताता है कि भले ही कमोडिटी सेगमेंट की है लेकिन साल दर साल रिटर्न देने में पीछे नहीं हटती है। अभी तक तो नहीं चला लेकिन अगले 6 माह शायद बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कंफर्ट देता है ये स्टॉक, एक तो वैल्यूएशंस के लिहाज से और लिग्नाइट की डिमांड काफी रोबस्ट रहने वाली आने वाले सालों में, और खास बात ये भी है कि डिविडेंड डील्ड इस स्टॉक का करीब 2.59-2.5% के लगभग है, तो इन लेवल्स पे एकदम कंसोलिडेटेड हुआ हुआ है ये स्टॉक और डाउनसाइड बिल्कुल कम लगती है, 105-110 रुपये एक डाउनसाइड लगता है और ऊपर के लेवल्स मुझे आराम से लगते हैं कि ये स्टॉक 145 का मैंने टारगेट दिया है बट 170-175 तक भी ये स्टॉक जा सकता है लॉन्ग टर्म में।
ठीक है, पहला हिस्सा ठीक नहीं है लेकिन दूसरा सब बेहतर रहने वाला है। 145 से 170 रुपए तक के टारगेट हैं। जेएमडीसी पे लगी है मोहर खरीदारी की। रजत से जानती है ईआईएल मोइल, दोनों भाई जैसे लगते हैं, दोनों शेयर्स क्या है? दोनों की नकदी बहुत स्ट्रांग है। ईआईएल में 2500 करोड़ से ज्यादा की नकदी है, मोइल में 2100 करोड़ से ज्यादा की नकदी है। फंडामेंटल्स तो मजबूत है ही। पहले नकदी की मजबूत, यहाँ पर ईआईएल की बात करें तो कंसल्टेंसी और टर्नकी कारोबार में है ही। देखिए, हम बोलते हैं कि कच्चे तेल में जब बढ़त आती है तो इस कंपनी को फायदा होता है क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन अब ये नॉन कोर जो इनका कारोबार है उसको बढ़ावा देने पे भी फोकस कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को। वो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू के लिए एक बहुत बूस्टर डोज है कि सिर्फ ये कच्चे तेल पे या फिर कंसल्टेंसी टर्की प्रोजेक्ट्स पे नहीं, दूसरे नॉन कोर कारोबार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो ईआईएल के लिए फायदेमंद। ऊपर से एमओआईएल, जिसमें मैंने बोला कि 2100 करोड़ से ज्यादा की नकदी है इस कंपनी में, देश की सबसे बड़ी मैंगनीज और उत्पादक है और FY18 में तो इन्होंने एक दशक में सबसे ज्यादा उत्पादन कर दिया। साथ ही साथ नवरत्न कंपनी तो है ही लेकिन 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, ये बहुत बेहतर। और कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती चली जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार क्षमता विस्तार पर फोकस है वो भी आने वाले समय के लिए रेवेन्यू पे रिफ्लेक्ट होगा। दोनों 2000 करोड़ रुपए के कैश रखती है। जैन साहब, दोनों पे मोहर बाय की लगेगी? बिल्कुल है भाई, एकदम मुझे लगता है दोनों ही नो ब्रेनर्स है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दोनों स्टॉक्स में देखा गया है। चल नहीं रहे हैं क्योंकि पीएसयू वैसे फ्लेवर में नहीं है इस बार की तेजी में, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे मेजर्स और अनाउंसमेंट्स आते हैं सरकार की तरफ से तो ये स्टॉक्स चलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही आइडियल कैंडिडेट्स है दोनों के दोनों स्टॉक। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया भी मोहर लगी और मोहर लगी और मोबाइल पे भी लगी है मोहर, तो आपकी बारी, इन शेयरों की बारी। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेहतर रिटर्न जरूर लेके आने वाले। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सभी शेयरों पे ये बताने के लिए कि आखिरकार किसको खरीदारी करनी है। खैर, एक ही आपने होल्ड दिया और सभी के सभी बाय ही रहे हैं। पूजा और रजत, आपका भी शुक्रिया बेहतर रिसर्च करके ये शेयर्स लेके आने के लिए। उम्मीद करते हैं इस बार का रिटर्न आपका शानदार रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।